हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर सुपर सेंसेस पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, फाइव सेंस ऑर्गन्स होते हैं, एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स मतलब इंसान। हमारे फाइव सेंस ऑर्गन्स होते हैं। सेंस ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो हमें अपने आसपास की दुनिया को देखने, पहचानने, अपने आसपास की चीज़ों को सूंघने, समझने और फील करने में, क्या चीज़ गर्म है या ठंडी है, ऐसी चीज़ों को फील करने में भी मदद करती है। तो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं आइज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन। तो आइज हमें मदद करते हैं, आइज हमारी हेल्प करते हैं देखने में, नोज हमारी हेल्प करते हैं सूंघने में, ईयर्स हमारी मदद करते हैं देखने में, टंग हमें टेस्ट लेने में मदद करते हैं और स्किन हमें फील करने में मदद करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हैज़ दिस एवर हैपन टू यू? क्या कभी ये आपके साथ भी हुआ कि आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं प्लेग्राउंड में, आपने अपना टिफिन बॉक्स ओपन किया, आप रोटी खा रहे हैं और उसी वक्त कोई ईगल ऊपर से आई और आपकी रोटी लेकर वो फुर से उड़ गई? क्या कभी ये आपके साथ हुआ? या ऐसा भी कभी हुआ कि आप किसी डॉगी के सामने से चुपके से जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं और वो डॉगी सोया हुआ होगा, लेकिन जैसे ही आप उसके सामने से गुजरे उसका एक कान अचानक से खड़ा हो गया? ऐसा कभी हुआ होगा आपके साथ भी? या ऐसा कभी हुआ होगा कि आपने कोई मीठी सी चीज़ गिरा दी हो, नीचे ज़मीन पर गिरा दी हो और कुछ ही मिनटों में कई सारे एंट्स, कई सारी चींटियां वहाँ पे जमा हो गई उस चीज़ को खाने के लिए? आपने कुछ ऐसे देखे होंगे। तो ऐसा क्यों होता है इसके बारे में सोचिए, क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं ना, उनके भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं। एनिमल्स के भी अलग अलग सेंसेस होते हैं। जिस तरह से हम सेंस करते हैं, हम चीज़ों को देखते हैं, हम चीज़ों को सुनते हैं, हम चीज़ों का टेस्ट लेते हैं, हम स्मेल कर पाते हैं, हम फील कर पाते हैं, तो कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत दूर से ही अपने शिकार को देख लेते हैं, बहुत ही दूर से। और कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो कि बहुत हल्की सी आवाज़ को भी सुन लेते हैं। कुछ एनिमल्स अपने दोस्तों को उनके स्मेल्स के थ्रू ही पहचान लेते हैं, स्मेल्स के जरिए ही पहचान लेते हैं। द एनिमल वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ अमेजिंग सेंसेस। तो एनिमल की ये जो दुनिया है, ये भरी हुई है अमेजिंग सेंसेस के एग्जाम्पल्स से। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हम इन एनिमल्स की दुनिया में देख पाते हैं जो हम इंसानों में इतनी ज़्यादा शार्प नहीं होती जितने एनिमल्स में होती है। तो एक चींटी अपने फ्रेंड को कैसे पहचान जाती है? हाउ डिड द एंट रिकग्नाइज अ फ्रेंड? एन एंट वॉज गोइंग अलॉन्ग ऑन द ग्राउंड। एक एंट अपने होल से निकलती है और वो ग्राउंड में चलती है, तो सडनली उसने क्या देखा? उसने देखा कि ग्रुप्स ऑफ एंट्स यहाँ से आ रही हैं, ठीक है, एंट्स आ रही हैं, तो दूसरी तरफ से आ रही हैं एंट्स। फर्स्ट एंट जो है वो क्या होती है, जो एंट जो होल से निकली, उसने क्या किया, उसने यू टर्न लिया और दोबारा से अपनी होल की तरफ वो जाने लगी। लेकिन यहाँ पे एक एंट है जो कि इस होल को गार्ड कर रही है, जो गार्ड कर रही है उस एंट ने इस एंट को पहचान लिया जो कि लौट कर आ रही है, और पहचानने के बाद उसने उसे होल में जाने दिया। तो ये कैसे हुआ, कैसे उसने पहचान लिया कि ये एंट वही एंट है? तो एंट है जो जिसने यू टर्न लिया है, वो दूसरी तरफ से आने वाले एंट्स को देख कर वो अपनी होल की तरफ आने लगती है, क्योंकि वो दूसरे ग्रुप के हैं। तो इस एंट को कैसे पता लगा ये दूसरे ग्रुप के हैं, है ना? तो हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप? तो इस एंट को कैसे पता चला कि दूसरी तरफ से आने वाले जो एंट्स हैं वो उसके ग्रुप के नहीं हैं? एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। एनिमल्स के हमारी तरह ही डिफरेंट सेंसेस होते हैं। वो हमारी तरह टेस्ट ले सकते हैं, हमारी तरह देख सकते हैं, हमारी तरह स्मेल कर सकते हैं, हमारी तरह सुन सकते हैं और हमारी तरह फील भी कर सकते हैं। So they can see, hear, taste, smell and feel. By using these senses or any senses ka istemal karke, the ants could identify that the other ants were not from this group. Aur isi senses ka istemal karke, ants pata laga leti hai ki dusre jo ants hai, wo uske group ke nahi hai. Isliye to wo unke paas nahi gayi, wo lot kar dobara se apne hole mein aa gayi.
तो इसे कैसे पता लगा कि दूसरी तरफ से आने वाले एंट्स उसके ग्रुप के नहीं हैं? हाउ डिड द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज दिस एंट? और जो गार्ड एंट ने कैसे पहचान लिया कि ये जो लौट कर आने वाली एंट उसके ही ग्रुप की है? तो ये कैसे हो सकता है, कैसे हुआ होगा? तो आंसर है बाय यूजिंग इट्स स्मेलिंग सेंस, स्मेल करने का जो सेंस है इसको यूज करते हुए द गार्ड एंट कुड रिकॉग्नाइज दिस एंट। गार्ड एंट इस एंट को पहचान जाती है। ड्रॉप सम शुगर, जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड। आप ज़मीन पर कुछ शुगर, चीनी या गुड़ या फिर कोई और मीठी चीज़ आप गिरा दीजिए और वेट कीजिए अंटिल द एंट्स कम देयर। जब तक कि एंट्स आते हैं आप उनका वेट कीजिए। तो अब आपके लिए क्वेश्चंस हैं, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंट्स टू कम? एंट्स कितनी देर में इस मीठी चीज़ के पास पहुँच जाएंगे? आपने देखा होगा ग्राउंड में आप कोई मीठी चीज़ गिराते हैं या आपसे गिर जाता है तो कुछ ही मिनटों में बहुत सारे एंट्स वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो आप बताइए, आपने जानबूझकर आपने शुगर, जैगरी या कोई भी स्वीट चीज़ गिराई हो और आपको देखना है कि कितने मिनटों में वहाँ पर ढेर सारे एंट्स इकट्ठे हो जाते हैं। विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनटों में द एंट्स सराउंडेड द ड्रॉप स्वीट्स। एंट्स वो जो गिरी हुई जो मिठाई है या मीठी चीज़ है उसको चारों तरफ से घेर लेती है। आपको ये भी देखना है कि क्या पहले एक एंट आई थी या बहुत सारे एंट्स एक साथ आए थे, ग्रुप ऑफ एंट्स। तो आंसर है अ सिंगल एंट केम फर्स्ट। पहले तो एक ही एंट आती है, वही फिर सिग्नल पहुंचाती है, ठीक है, एंड देन अ ग्रुप ऑफ एंट्स फॉलोड इट। और उसके बाद ग्रुप ऑफ एंट्स उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। व्हाट डिड द एंट्स डू विद द फूड? एंट्स ने उस फूड का क्या किया जो आपने गिराया था जमीन पर, उसका क्या किया होगा? द एंट्स कैरीड अवे द फूड टू इट्स होल। तो एंट्स इस खाने को अपनी होल की तरफ लेकर जाते हैं। वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर? वो वहां से कहां गए हैं? द एंट्स वेंट बैक टू द होल फ्रॉम देयर। वो खाना लेकर दोबारा से अपने होल की तरफ ही लौट आते हैं। डू दे मूव इन ए लाइन? क्या वो लाइन बनाकर ही जा रहे हैं? जैसे आपने देखा होगा कई बार चींटियां जो होती है वो लाइन में ही चलती है, क्या ये चींटियां भी लाइन में ही जा रही हैं? यस, वन एंट फॉलोज द अदर एंड हेंस गोज इन ए लाइन। तो एक एंट दूसरे को फॉलो करती है, दूसरी तीसरी को, और इसी तरह से ये लाइन में ही चलते हैं। नाउ केयरफुली, अब सावधानी से, चींटियों को चोट ना पहुँचे, विदाउट हार्मिंग द एंट्स, एंट्स को कोई चोट ना पहुँचे। अब बड़े ध्यान से, चींटियों को चोट पहुँचाए बिना ब्लॉक देयर पाथ, उनके रास्ते में रुकावट डालिए कुछ समय के लिए विद अ पेंसिल, एक पेंसिल से। मान लीजिए चींटियाँ यहाँ से जा रही हैं तो बीच में आप एक पेंसिल रख दीजिए, ठीक है, उनके जाने के रास्ते में आप रुकावट डालिए। नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द एंट्स मूव। अब ऑब्जर्व कीजिए किस तरह से एंट्स मूव करते हैं। क्या वो पेंसिल के ऊपर से ही जाते हैं या वो पेंसिल के साइड से ही निकल जाते हैं या वो इधर उधर बिखर जाते हैं? इवन आफ्टर ब्लॉकिंग देयर पाथ, उनके रास्ते में रुकावट डालने के बावजूद भी द एंट्स क्लाइंब अप द पेंसिल एंड मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। एंट्स जो है वो पेंसिल के ऊपर से ही चढ़कर वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती है। मैनी ईयर्स अगो अ साइंटिस्ट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स लाइक दिस। बहुत सालों पहले एक साइंटिस्ट ने इस तरह के कई एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ही फाउंड आउट दैट एज द एंट्स मूव, उन्होंने पता लगाया कि जैसे ही एंट्स मूव करती हैं दे लीव अ स्मेल, वो एक गंध छोड़ती हैं, एक स्मेल छोड़ती है ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर वो जैसे जैसे मूव करती हैं वो एक स्मेल छोड़ती हुई जाती है। द अदर एंट्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे। और दूसरी चींटियाँ क्या करती हैं? दूसरी चींटियाँ इसी स्मेल के थ्रू वो रास्ते का पता लगाती है, इसी स्मेल को फॉलो करते हुए वो रास्ते का पता लगाती है। Now, can you guess why the ants behaved like that when you block their path? तो क्या आप बता सकते हैं कि ants इस तरह का behave क्यों करते हैं जब आपने उनके रास्ते में रुकावट डाली होगी? Answer है, as the ants move, जैसे ants move करती हैं, they leave a smell on the ground. वो ground पे एक smell छोड़ती हुई जाती है। The other ants follow the smell to find the way. और दूसरी ants उसी smell को follow करती हुई आगे बढ़ती है। So when their path was blocked, so जब आपने उनके रास्ते में रुकावट डाली, द एंट्स ट्राई टू कीप देयर पाथ बाय फॉलोइंग द स्मेल। एंट्स स्मेल को फॉलो करते हुए दोबारा से उसी रास्ते में आगे बढ़ने लगी। एंट्स जो होती हैं वो स्मेल लीव करती हुई आगे बढ़ती है और इसी स्मेल के ज़रिए बाकी एंट्स उन्हीं के पीछे पीछे चलते हैं।
सम मेल इंसेक्ट्स कैन रिकोगनाइज देयर फीमेल्स बाय देयर स्मेल। तो कुछ मेल इंसेक्ट्स हैं, मेल मतलब कुछ पुरुष इंसेक्ट्स हैं, जो अपने फीमेल्स, फीमेल्स मतलब स्त्री, स्त्री कीड़ों को उनके सुगंध से ही पहचान लेती हैं, उनके स्मेल से। तो उनके स्मेल से, उनके फीमेल्स के स्मेल से ही मेल इंसेक्ट्स उनको पहचान लेते हैं या उनका पता लगा लेते हैं। हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटोज? क्या आपको भी कभी मॉस्किटो ने परेशान किया, मॉस्किटोज मच्छरों ने परेशान किया? जस्ट थिंक, ज़रा सोचिए, हाउ डू दे नो वेयर यू आर? उन्हें कैसे पता लग जाता है कि आप कहाँ पर हैं? आंसर है, मॉस्किटोज कैन सेंस द स्मेल ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। मॉस्किटोज को ह्यूमन बॉडी की स्मेल आती है, उनके सेंस ऑफ स्मेल से पता लगा लेते हैं। दे ऑल्सो फाइंड अस बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ आर फीट एंड द हीट ऑफ आर बॉडी। वो हमारा पता हमारे सोल, फीट के जो सोल है उनसे भी पता लगा लेते हैं, और हमारे बॉडी के टेम्परेचर से भी हमारा पता लगा लेती है। हमारे बॉडी से जो गर्माहट निकलती है या हीट निकलती है उससे भी वो हमारा पता लगा लेते हैं। मॉस्किटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी। मॉस्किटोज आपका पता लगा लेते हैं आपके बॉडी से जो स्मेल आती है, वो आपके फीट के सोल के स्मेल से भी पता लगा लेते हैं कि आप कहाँ पर हैं। और आपके बॉडी से जो हीट निकलती है, आपके बॉडी के टेम्परेचर से भी आपका पता लगा लेते हैं कि आप कहीं आसपास ही हैं। यहाँ पे एक सिल्क वॉर्म है, तो उसका कहना है, सिल्क वॉर्म ऐसे वॉर्म, वॉर्म मतलब कीड़ा, ऐसा कीड़ा होता है जिससे हमें सिल्क मिलता है। तो सिल्क वॉर्म यहाँ पे कहता है कि आई एम अ सिल्क वॉर्म, मैं एक सिल्क वॉर्म हूँ, मैं एक रेशम का कीड़ा हूँ। आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म, मैं अपने फीमेल वॉर्म, फीमेल मतलब स्त्री, स्त्री कीड़े को, वॉर्म मतलब कीड़ा, फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल, मैं बहुत किलोमीटर दूर से भी उसके स्मेल से उसका पता लगा लेता हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। इस चैप्टर के रिमेनिंग पार्ट्स हम आने वाले वीडियोज़ में पूरा करेंगे। बाय स्टूडेंट्स।